हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 हिस्ट्री द रिबेलियन ऑफ 1857। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है झांसी। इन झांसी द यंग रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रिबेल्स व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू एक्नॉलेज हर राइट टू अडॉप्ट अ सक्सेसर एज पर इंडियन कस्टम। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई ने रिबेलियन स्टार्ट किया क्योंकि ब्रिटिशर ने रिफ्यूज़ कर दिया था ये एक्नॉलेज करना, क्योंकि उसका खुद का कोई बेटा नहीं था तो उसने अडॉप्ट किया था जो सन, तो उसको आगे उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा रहा था। तो द ब्रिटिश एनेक्स हर स्टेट एंड थ्रेटन टू ट्रीट हर एज एन इंस्टिगेटर ऑफ द रिबेलियन ऑफ द सिपॉयज एट झांसी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, उसका पूरा स्टेट एनेक्स कर लिया, खुद को मतलब कब्जे में ले लिया, और उसके साथ भी मिसट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो रिबेलियन छिड़ गया झांसी के अंदर। तो द रानी वैसिलेटेड फॉर सम टाइम बट वंस शी डिसाइडेड टू थ्रो इन हर लॉट विद द रिबेल्स शी फॉट वैलेंटली एट द हेड ऑफ हर ट्रूप्स। लेकिन उसने खूब लड़ाई करी, ठीक है। शी प्रोक्लेम्ड वी फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, उसने ये भी कहा कि हम हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। इफ़ विक्टोरियस वी विल इंजॉय द फ्रूट्स ऑफ आर विक्ट्री, और अगर हम जीते हैं तो हम हमारी जीत को खुशी के साथ इंजॉय करेंगे। तो इफ डिफीटेड एंड किल्ड वी शैल अर्न इटर्नल ग्लोरी एंड सेल्वेशन, और अगर हम हार भी गए तो भी हमें हमारे अंदर से एक भावना निकलेगी कि आखिरकार हमने कुछ लड़ाई लड़के ही हम हारे हैं, अगर हम मर भी गए तो भी हमें कोई गम नहीं। तो ब्रिटिश फोर्सेज यूजिंग सुपीरियर वेपन्स कैप्चर द फोर्ट द सिटी, अराउंड 5,000 पीपल वर किल्ड, और ब्रिटिशर्स ने सब तरफ से घेर लिया और 5,000 लोग मारे गए थे। तो द रानी फ्लेड विद द रिबेल्स टू ज्वाइन तात्या टोपे एट कल्पी, और रानी ने भी किसको ज्वाइन कर लिया था, तात्या टोपे को कल्पी के अंदर ज्वाइन कर लिया था। टू मार्च अपॉन ग्वालियर, ग्वालियर की तरफ मार्च करना स्टार्ट किया इन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई कैप्चर्ड ग्वालियर विद द हेल्प ऑफ तात्या टोपे एंड हर ट्रस्टेड अफगान गार्ड्स, और रानी लक्ष्मीबाई सफल हो गई थी ग्वालियर को कैप्चर करने में तात्या टोपे की हेल्प से और उसके अफगान गार्ड्स जो थे उसकी हेल्प से। महाराजा सिंधिया हिमसेल्फ फ्लेड टू आगरा टू बी विद द ब्रिटिश वाइल हिज ट्रूप्स ज्वाइन द फोर्सेज ऑफ द रानी। सिंधिया हिमसेल्फ फ्लेड टू आगरा, वो भी आगरा पहुंच गए थे और साथ में उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था फोर्सेज रानी के साथ। तो रानी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ट्रूप ऑन जून 17, 1858, और रानी की डेथ हो गई थी लड़ते लड़ते ब्रिटिशर्स के साथ जून 17, 1858 के अंदर। और जो कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी रेफर टू हर एज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर अमंग द रिबेल्स, और जो कमांडर था ब्रिटिश आर्मी का उसने भी कहा है कि वो एक बेस्ट थी, ब्रेवेस्ट थी सभी लीडरों में से जो जिसने रिबेलियन किया था। तात्या टोपे स्मॉल बट डिसिप्लिनड आर्मी कैरिड ऑन द ब्रिलियंट गोरिल्ला वेलफेयर फॉर सम टाइम बिफोर ही वॉज बेट्रेड बाय अ जमींदार, और तात्या टोपे भी सफल हुए थे किसी ना किसी रूप में चकमा देने में ब्रिटिशर्स को। ही वॉज हैंग टू डेथ आफ्टर द ट्रायल, और ये सब करने के बाद उसको हैंग कर दिया गया था डेथ। मैनी न्यू लीडर्स केम अप इन दिस रिवोल्ट, अहमदुल्ला शाह अ मौलवी फ्रॉम फरीजाबाद मेड अ प्रोफेसी दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड सून, बहुत सारे लीडर्स आए थे इस रिवोल्ट के अंदर, एक का नाम था अहमदुल्ला शाह और वो मौलवी थे फैजियाबाद के, और उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को क्या किया उनकी प्लानिंग के लिए। कम टू एन एंड ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स मिला दूसरे लोगों का भी। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, वो लखनऊ भी इसीलिए आए थे ताकि वो ब्रिटिशर्स से लड़ सके। तो द रोहिल्लास सेंटर्ड इन बरेली वर ऑल्सो वेरी एक्टिव इन द वॉर, रोहिल्लास जो थे जो कि बरेली के अंदर सेंटर्ड थे वो भी बहुत एक्टिव थे वॉर के समय। एंड दिस एरिया वॉज अमंग्स द लास्ट टू बी रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर सर कॉलिन कैम्बल हैड फाइनली क्वेल्ड रेसिस्टेंस इन अवध, और इनका एरिया भी वापस से रिकैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, और उसके बाद सर कॉलिन कैम्बल जो थे वो फाइनली क्वेल्ड हो गए थे और उन्होंने रेसिस्टेंस हासिल कर लिया था अवध के अंदर। एंड द रिबेलियन इन बिहार एंड द डिस्ट्रिक्ट अराउंड बनारस वॉज ऑल्सो फाइनली ओवरकम, और जो रिबेलियन चल रहा था बिहार में और उनके आसपास की जो डिस्ट्रिक्स थी बनारस के पास वो सब फाइनली ओवरकम हो गया। एंड कुंवर सिंह एन ओल्ड मैन ऑफ 70 वॉज द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट, कुंवर सिंह मेन ऑर्गेनाइजर थे उस रिवोल्ट के। ही मोबलाइज द फोर्सेज एंड डिफीटेड द ब्रिटिश इन मैनी प्लेसेज, उन्होंने भी मोबलाइज किया फोर्स को, गाइड किया और बहुत ब्रिटिशर्स को डिफीट भी किया बहुत सारी जगह। लेटर ही ज्वाइन फोर्सेज विद नाना साहिब के साथ बाद में उन्होंने फोर्सेज ज्वाइन कर ली। ही डाइड ऑफ वॉर वुंड्स इन अप्रैल 1858, और इनकी भी डेथ हो गई ड्यू टू वॉर वुंड्स जो कि अप्रैल 1858 के अंदर हुआ था।
तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।